नमस्कार, मैं प्रिया। आज 6 दिसंबर, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अब 7 से 8 पंचायतों पर एक कमीन की होगी तैनाती। कोविड-19 के नए वेरिएंट को लेकर बिहार में अलर्ट। ठंड आते ही बिहार सरकार ने सभी जिलों को दिया आदेश। इंटर मैट्रिक के डमी एडमिट कार्ड में 6 दिसंबर तक त्रुटि सुधारने का मौका। भारत सीरीज जीतने से महज 5 विकेट दूर। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। जमीन ट्रांसफर में बिहार के उद्यमियों को इतना करना होगा भुगतान। बियाडो औद्योगिक क्षेत्र में जमीन ट्रांसफर संबंधी प्रक्रिया को सरल बनाने का काम किया गया है, उसको लेकर टैक्स में कमी की जाएगी। औद्योगिक क्षेत्र की जमीन आसानी से ट्रांसफर हो सके, इसके लिए बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जमीन के ट्रांसफर रेट में कमी करने की तैयारी कर रहा है। औद्योगिक क्षेत्र की जमीन ट्रांसफर के माध्यम से लेने वाले उद्यमियों को 15% के बदले 10% सर्किल रेट की दर से भुगतान करना होगा। नए दर पर जमीन ट्रांसफर की रणनीति पर काम आगे बढ़ रहा है, इसकी जानकारी बियाडा के विकास अधिकारी मनोज कुमार ने दी है। साथ ही उन्होंने बताया है कि औद्योगिक भूमि के ट्रांसफर रेट को 15% से 10% करने के लिए मुख्यालय के स्तर पर तैयारी की जा रही है, जल्द ही अधिसूचना जारी हो जाएगी। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे शत्रुघ्न सिन्हा की। शत्रुघ्न सिन्हा का जन्म बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। शत्रुघ्न सिन्हा एक हिंदी फिल्म अभिनेता और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिज्ञ है। वो पटना साहिब से लोकसभा 2009 से 2014 और 2014 से 2019 और राज्यसभा में 1996 से 2002 और 2002 से 2008 तक सदस्य रहे थे। शत्रुघ्न सिन्हा ने भले ही राजनीति के क्षेत्र में कई कीर्तिमान अपने नाम दर्ज किया हो, लेकिन अभिनय के क्षेत्र में भी उन्होंने अपना लोहा मनवाया है। साथ ही साथ साल 2006 में उन्हें किशोर कुमार सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। शत्रुघ्न सिन्हा के प्रमुख फिल्मों की बात करें तो इसमें दिल तेरा दीवाना, बेताज बादशाह, चांद का टुकड़ा, शहजादे, चेहरे पर चेहरा, क्रांति, साजन जैसी तमाम फिल्मों के नाम शामिल है। अब 7 से 8 पंचायतों पर एक अमीन की होगी तैनाती। बिहार में मशीन से जमीन की मापी होने वाली है, इसमें अमीन का लोड काफी कम हो जाएगा। 7 से 8 पंचायतों पर एक अमीन को तैनात करने की योजना बनाई जा रही है, जिसकी जानकारी सूबे के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री राम सूरत कुमार ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान दी है। इस दौरान उन्होंने बताया है कि 1767 अमीन की नियुक्ति की गई है और नए साल में 3 से 4 अमीन हर अंचल को दिए जाएंगे। 4453 राजस्व कर्मचारियों की काउंसलिंग भी की जा रही है। इस बाबत उन्होंने बताया कि 566 राजस्व अधिकारी में से 478 को ट्रेनिंग दी गई है। इन राजस्व कर्मियों को अंचल में सीओ और सीआई बनाया जाएगा। इसके साथ ही अंचल में नवनियुक्त सीओ 6 महीने तक अमीन और राजस्व कर्मचारी का काम देखेंगे। ऐसी योजना है कि जिस प्रकार डीएम और एसपी बनने के पहले उनसे प्रखंड और थानों में काम लिया जाता है, उसी तरह सीओ से अमीन और कर्मचारी का भी काम लिया जाएगा। झारखंड को जोड़ने वाली चीर नदी पर पुल बनाने का रास्ता हुआ साफ। अब बिहार से झारखंड जाना और भी आसान होने वाला है, क्योंकि बिहार को झारखंड से जोड़ने वाले भागलपुर गोड्डा मार्ग पर पंजवारा के पास चीर नदी पर प्रस्तावित पुल के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। इस पुल का टेंडर जारी कर दिया गया है। 7 जनवरी 2022 को टेंडर की तकनीकी बिड खुलेगी। इसमें सफल एजेंसी की वित्तीय बिड खोली जाएगी। चयनित एजेंसी को 24 महीने में पुल निर्माण पूरा करना होगा। ठेकेदार को 6 जनवरी तक टेंडर भरने का समय दिया गया है। इसके लिए 10,000 आवेदन शुल्क है। आपको बता दें कि डिजिटल सिग्नेचर के पेच में मामला रिटर्न में फंस गया था, लेकिन अब 2022 से पुल के शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। बीआरओ ने मल्टी स्किल्ड वर्कर, पेंटर और वेटर और ड्राइवर के पदों पर निकाली भर्ती। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने वेल्डर, मैकेनिक और अन्य पदों पर भर्ती निकाली है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार बीआरओ की आधिकारिक वेबसाइट bro.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के माध्यम से 354 पदों पर बहाली की जाएगी। आवेदन करने की आखिरी तारीख आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। फिलहाल बीआरओ की आधिकारिक वेबसाइट कोई जवाब नहीं दे रही है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वो वहां उपलब्ध डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ने के लिए पेज को रिफ्रेश करते रहें। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो वो भी उम्मीदवारों की योग्यता जानने के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन को देखना होगा। उसके बाद नोटिफिकेशन को पढ़कर छात्र आसानी से आवेदन भर सकते हैं। बिहार के 227 संबंध डिग्री कॉलेज को सरकार ने जारी किया निर्देश। बिहार के सभी 227 संबंध डिग्री कॉलेज को बिहार सरकार की तरफ से नया दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है, जिसके तहत बिहार के सभी 227 संबंध डिग्री कॉलेज को अपना वेबसाइट अनिवार्य रूप से बनाना होगा। इस संबंध में कॉलेज संचालकों को बिहार सरकार की तरफ से शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी कर दिया है, जिसके बाद इस महीने कॉलेज को वेबसाइट पर सूचना अपलोड करनी होगी, क्योंकि शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी को कितनी राशि दी गई है। शिक्षा विभाग की तरफ से विश्वविद्यालय को दिए गए दिशा निर्देश के मुताबिक 30 दिसंबर तक हर संबंध डिग्री कॉलेज को अपना वेबसाइट बनाना
होगा। वेतन आदि वितरण की स्पष्ट विवरण इस वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी। इतना ही नहीं, राज्य में संबंध डिग्री कॉलेज को नए सत्र से अनुदान देने की व्यवस्था ऑनलाइन करनी होगी। सरकार की पूरी योजना है कि वित्तीय गड़बड़ी को किसी भी तरीके से रोका जाए, क्योंकि हाल ही में कई विश्वविद्यालय वित्तीय गड़बड़ी के कारण निशाने पर आए थे। दिल्ली में बैठकर अब एक क्लिक में अपनी जमीन की रसीद कटाए, बिहारवासियों के लिए अहम सूचना। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में हेल्प डेस्क जल्द ही खुलने जा रहा है। विभाग की सारी ऑनलाइन सुविधाएं दिल्ली में भी बिहारवासियों को उपलब्ध हो जाएगी, यानी कि दिल्ली में बैठकर व्यक्ति बिहार की अपनी जमीन की रसीद वहीं से आसानी से कटा सकेगा और वहीं से नक्शा भी प्राप्त कर सकेगा। राज्य में चल रहे विशेष सर्विस से जुड़ी समस्याओं का भी वहां निराकरण हो सकेगा। इसको लेकर विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक सिंह ने दिल्ली के स्थानीय आयुक्त को पत्र भेजकर पूरी व्यवस्था करने कहा है। राजस्व विभाग यह व्यवस्था चाणक्यपुरी स्थित बिहार निवास बिहार भवन और द्वारका स्थित बिहार सदन में भी करेगा, साथ ही वहां कर्मियों की प्रतिनियुक्ति का काम भी किया जाएगा। इतना ही नहीं, प्रतिनियुक्त कर्मी ऑनलाइन व्यवस्था को लेकर पूरी तरह से ट्रेंड होंगे। डेटा एंट्री ऑपरेटर भी वहां होंगे जो ऑनलाइन सेवाओं के लिए दक्ष होंगे। इंटर मैट्रिक के डमी एडमिट कार्ड में 6 दिसंबर तक त्रुटि सुधारने का मौका। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने इंटर और मैट्रिक 2022 के परीक्षार्थियों के लिए तृतीय संशोधित डमी प्रवेश पत्र की त्रुटि सुधार का मौका 6 दिसंबर तक दिया है। यानी कि अगर किसी छात्र के डमी प्रवेश पत्र में विषय कोड, नाम, अभिभावक के नाम, जन्म तारीख आदि में त्रुटि है तो छात्र उसमें सुधार 6 दिसंबर तक कर सकते हैं। बोर्ड छात्रों के मोबाइल नंबर पर भी 10वीं प्रवेश पत्र भेज रहा है। इसके अलावा जिन छात्रों ने अभी तक आवेदन फीस और परीक्षा फीस नहीं जमा किया है वो 9 दिसंबर तक फीस जमा कर सकते हैं। बोर्ड की माने तो जिन छात्रों की फीस जमा नहीं होगी उनका प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा। इसके लिए बीएसईबी मोबाइल एप्लीकेशन पर प्रवेश पत्र उपलब्ध किया गया है। वहीं छात्र secondary.biharboardonline.com पर 10वीं के, वहीं inter22.biharboardonline.com से 12वीं के छात्र डमी कार्ड डाउनलोड कर त्रुटि सुधार कर सकते हैं। प्याज उत्पादन के मामले में बिहार ने देश में हासिल किया चौथा स्थान। बढ़ती महंगाई के बीच बिहारवासियों के लिए खुशखबरी, भारत के प्याज उत्पादन में बिहार चौथे स्थान पर पहुंच गया है। इसके साथ ही देश भर के प्याज उत्पादन में बिहार की कुल हिस्सेदारी लगभग 6% हो गई है, जो कि बिहार जैसे राज्य के लिए बड़ी खबर है जहां कई बार प्याज की किल्लत की खबर सामने आती रही है। बिहार में लगभग 58 लाख हेक्टेयर खेत में प्याज की खेती होती है और लगभग 13 से 14 लाख टन प्याज का उत्पादन होता है, जिसमें सबसे ज्यादा नालंदा और पटना जिला में प्याज का उत्पादन किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि वर्तमान समय में बिहार का प्याज देश के दूसरे राज्यों के साथ साथ बांग्लादेश में भी निर्यात होता है। यहाँ बिहार के प्याज की काफी डिमांड है। इसको लेकर बिहार की तरफ से बिहारवासी काफी खुश हैं और साथ ही बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने भी खुशी जाहिर की है। अचानक सीएम नीतीश उतरे पटना की सड़कों पर। बीते दिन सीएम नीतीश एक बार फिर से पटना की सड़कों पर अचानक से नजर आए। उन्होंने अदालतगंज तालाब के निरीक्षण से पहले वीरचंद पटेल पथ का निरीक्षण किया, साथ ही मुख्यमंत्री के स्थल निरीक्षण की सूचना के बाद सभी अधिकारी वीरचंद पटेल पथ पर पहुंचे। वहीं प्रशासनिक महकमे में उनके आने के बाद हड़कंप मच गया। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, हाल ही में नगर एवं आवास विभाग की कई योजनाओं का ऑनलाइन उद्घाटन सीएम नीतीश ने किया है, जिसके बाद ही सीएम नीतीश बीते दिन खुद हर जगह का निरीक्षण करने पहुंचे थे। सीएम नीतीश के निरीक्षण करने की सूचना मिलते ही आनंद फानम ने प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई थी। मंदिरी नाले पर सड़क निर्माण कराई जा रही है, उसका जो नक्शा है वो भी वहां पर रखा गया था। कोविड 19 के नए वेरिएंट को लेकर बिहार में अलर्ट। बिहार में कोविड 19 के मामलों में भले ही अब गिरावट देखने को मिल रही हो, लेकिन दिल्ली समेत अन्य राज्यों में कोविड 19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है, जिसके बाद अब बिहार में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। जिसके तहत बीते दिन स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि हर स्थिति से निपटने के लिए तैयारी बिहार के में ही की जा रही है। सभी जिलों में संक्रमण के इस नए वेरिएंट की रोकथाम के संबंध में जरूरी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। पटना, गया और दरभंगा एयरपोर्ट पर विशेष तौर पर विदेश से आने वाले यात्रियों की सघन जांच की जा रही है। जिलों में पहले से बनाए गए डेडिकेटेड कोविड 19 हेल्थ सेंटर और कोविड 19 केयर सेंटर में लगे बेड और उपकरणों की साफ सफाई कर क्रियाशील करने से आदेश दे दिए गए हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर कोविड 19 के मरीजों की भर्ती की जा सके। बिहार के जमुई जिला में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। जमुई जिला बिहार के जमुई जिला का मुख्यालय है। यह जैनों के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। प्राचीन समय में इस जगह को जुम्मी भखग्राम और जम्बुबानी के नाम से जाना जाता था। ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से यह स्थान काफी महत्वपूर्ण रहा है। सेंट थॉमस चर्च, गुरुद्वारा, पक्की संगत और मिंटो टावर, जैन मंदिर, धर्मशाला, चंद्रशेखर संग्रहालय और काली मंदिर आदि यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। माना जाता है कि 24वें तीर्थकर भगवान महावीर ने उज्जैन हवलिया नदी के तट पर स्थित जुमी भखग्राम में दिव्य ज्ञान प्राप्ति की थी। इस जिले की स्थापना गुप्तपाल और चंदेल शासकों ने की थी। जमुई का संबंध प्रसिद्ध महाकाव्य महाभारत से भी जोड़ा जाता है। ठंडा
बताते ही बिहार सरकार ने सभी जिलों को दिया आदेश। बिहार में ठंड का प्रकोप धीरे धीरे लगातार देखने को मिल रहा है। दिन बीतने के साथ ही कनकनी में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसी बीच आपदा प्रबंधन सचिव संजय अग्रवाल ने शीतलहर शुरू होते ही इसके असर की रिपोर्ट हर दिन राज्य मुख्यालय को भेजने का निर्देश जारी किया है। इसके लिए अग्रवाल ने उपायुक्तों को भेजे पत्र में हर जिले से शाम 4 बजे तक सारी रिपोर्ट भेजे जाने का सुनिश्चित करने के लिए कहा है। उन्होंने जिले के वरीय अधिकारियों को घूम घूम कर स्थिति का सतत मूल्यांकन, गर्मी और त्वरित कदम उठाने की हिदायत भी दी है। इतना ही नहीं, आपदा प्रबंधन सचिव ने शीतलहर से जान गंवाने वालों की खबरों की जांच करने और सही पाए जाने पर गाइडलाइन के मुताबिक कदम उठाने का निर्देश भी दिया है। वहीं खबर के गलत पाए जाने पर अखबारों में तत्काल खंडन प्रकाशित करने का निर्देश भी दिया जा सकता है। इसके साथ ही बेघरों के लिए पॉलिथीन शीट और टेंट में अस्थायी रैन बसेरा का निर्माण भी किया जाएगा। दरभंगा में बिहार के दूसरे एम्स का निर्माण होगा इतनी एकड़ जमीन में। बिहार के दरभंगा में एम्स के निर्माण की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है। दरभंगा के डीएमसीएच के जमीन पर प्रस्तावित दूसरे एम्स के निर्माण की प्रक्रिया के शुरू होने की उम्मीद इसलिए भी जताई जा रही है क्योंकि दरभंगा एम्स डीएमसीएच की 200 एकड़ जमीन इस अस्पताल के बनने को लेकर आवंटित कर दी गई है। बाकी बची 75 एकड़ जमीन पर डीएमसीएच का नया भवन बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बिहार में अभी एकमात्र एम्स राजधानी पटना में है। इसके लिए जमीन की उपलब्धता और अतिक्रमण खाली कराने का काम शुरू होने वाला है। डीएमसीएच का नया भवन और परिसर 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इसको लेकर डीएमसीएच अधीक्षक डॉक्टर हरिशंकर मिश्रा ने सारी जानकारी साझा कर दी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि इसके लिए जिला प्रशासन ने सदस्य और जमीन के साथ जमीन के नक्शे के लिए भी लेकर बैठक की थी, जिसके बाद ही यह निर्णय लिया गया है। पटना के प्राइवेट स्कूल को फिर से ऑनलाइन क्लास देने का निर्देश। कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर पटना में अभी से ही अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसके तहत प्राइवेट स्कूल को निर्देश दिया गया है कि स्कूल में ऑनलाइन क्लास और मूल्यांकन के विकास को जारी रखा जाए, जिसके तहत सभी स्कूल में ऑनलाइन माध्यम से शिक्षण मूल्यांकन की व्यवस्था के विकल्प को लागू रखने को कहा गया है। संक्रमण के खतरे को देखते हुए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने इस दिशा निर्देश को जारी कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि राजधानी पटना के प्राइवेट स्कूल में अब जल्दी एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। शिक्षा विभाग ने इससे पहले जब सब कुछ साफ कर दिया है, इसके साथ ही सभी छात्र जो स्कूल आ रहे हैं उनको मास्क का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है। विद्यालय में नामांकित छात्र छात्राओं के जरा भी तबीयत खराब होने की शिकायत पर उन्हें ऑफलाइन शिक्षण व्यवस्था से अलग रखने का निर्देश दिया गया है। बिहार के इस लड़के के हुनर के सोनू सूद भी हुए कायल। बिहार के हुनरमंद का हुनर सोशल मीडिया पर इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है। भागलपुर के रहने वाले एक युवक जो कि एक पेंटर है, वो बेहद ही खूबसूरत तस्वीर बनाए जाने के बाद चर्चा में आ गए हैं। तस्वीर की चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि खुद एक्टर सोनू सूद ने इसे अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। उन लोगों से इस कलाकार के हुनर को सराहना करने की अपील की है। आपको बता दें कि बिहार के भागलपुर के रहने वाले युवा कलाकार का नाम ओमकार है। बिहार के भागलपुर के रहने वाले ओमकार ने एक पोर्ट्रेट बनाकर सोनू सूद को गिफ्ट किया है। सोनू सूद ने भी खुद ओमकार के साथ वीडियो बनाया है और उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर बीते रविवार को शेयर किया। वहीं ओमकार ने भी उसी वीडियो को अपने अकाउंट से अपलोड कर शेयर कर लिखा है, लव यू सर। बिहार में मिले कोविड-19 के 5 से ज्यादा मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 6 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 25 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 1 और पटना में 4 मरीज की पुष्टि हुई है। इसके अलावा किसी भी जिले में 1 भी मरीज की पुष्टि नहीं हुई है। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में 182,526 सैंपल की जांच की गई। वहीं कुल मिलाकर 2 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। भारत में रविवार तक ओमिक्रॉन के मिले 21 मामले। कोरोना के खतरनाक ओमिक्रॉन वेरिएंट संक्रमितों के साथ ही टेंशन बढ़ा रहा है, लिहाजा अब तक 21 केस इस वेरिएंट के सामने आ चुके हैं। सबसे ज्यादा मामले राजस्थान में सामने आए हैं, यहां 9 संक्रमित पाए गए हैं। वहीं महाराष्ट्र में अब तक 8 लोगों में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कर्नाटक में 2, गुजरात में 1 और राजधानी दिल्ली में 1 मरीज की पुष्टि हो चुकी है। जिसके साथ ही अब स्वास्थ्य विभाग भी ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहा है और सभी लोगों से लगातार सतर्क रहने की अपील की जा रही है। मास्क का उपयोग करने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने की सिफारिश की जा रही है। नीतीश कुमार के लिए रणनीति बना चुके अमरीश त्यागी भाजपा में हुए शामिल। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपने दल को मजबूत करने में भी सही लग गई है। इसी बीच जदयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी के बेटे अमरीश त्यागी ने रविवार को भाजपा का दामन थाम लिया है। उन्हें डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा और भाजपा के सीनियर लीडर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने पार्टी की सदस्यता दिलाई है। मिली जानकारी के अनुसार त्यागी पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और बिहार के मौजूदा सीएम नीतीश कुमार के चुनाव प्रबंधन का काम संभाल चुके हैं। लखनऊ भाजपा ऑफिस में आयोजित खास कार्यक्रम में अमरीश त्यागी को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई है। इस दौरान अमरीश त्यागी का पार्टी में स्वागत किया गया है।
अब रोहतास में उड़ेगी सतरंगी तितलियां। वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग तितलियों को बचाने के लिए राज्य का पहला बटरफ्लाई पार्क का निर्माण रोहतास जिले में करवाने जा रहा है, जो कि रोहतास जिले के तिलौथू प्रखंड में कैमूर पहाड़ी पर स्थित तुतरा भवानी के पास किया जाएगा। इसके बाद अब रोहतास में सतरंगी तितलियां आपको उड़ती हुई नजर आएंगी। यह पार्क विलुप्त हो रही 4 दर्जन से अधिक प्रजाति की तितलियों को बचाने में कारगर साबित होगा। पर्यावरणीय खतरों में समाप्ति की कगार पर पहुंच रही तितलियों को इस पार्क में रखा जाएगा और उन्हें नई जिंदगी मिलेगी। पर्यावरण संरक्षण के अलावा पर्यटन के साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। अधिकारियों की माने तो तुतला भवानी धाम के पास वन विभाग की भूमि पर बटरफ्लाई पार्क बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बटरफ्लाई पार्क से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्र के इकोसिस्टम में भी सुधार आएगा। नीतीश सरकार को फिर से घेरेंगे तेजस्वी। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सरकार को एक बार फिर से घेरने के मिजाज में नजर आ रहे हैं और इस बार उनका मुद्दा बेरोजगारी होने वाला है। मेरी जानकारी के अनुसार विधानसभा चुनाव के वक्त तेजस्वी ने 10 लाख रोजगार का वादा किया था और बेरोजगारी का मुद्दा उठाया था, जिसका जवाब एनडीए को खोजने पर भी नहीं मिल रहा था। भले ही तेजस्वी यादव को सत्ता नहीं मिली, लेकिन एनडीए को भी सत्ता पाने में पसीने छूट गए थे। हालांकि चुनाव खत्म हो गया है, लेकिन तेजस्वी यादव इस मुद्दे को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते हैं। यही कारण है कि उन्होंने ऐलान किया है कि 2022 में मार्च महीने में किसी भी दिन राजधानी पटना में बेरोजगारी के मुद्दे पर बेरोजगारी महारैली का आयोजन होगा। इस दौरान तेजस्वी यादव जनता को बताएंगे कि बिहार में 5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी के पद खाली है, लेकिन सरकार उसे नहीं भर रही है। उनकी सरकार आएगी तो खाली पड़े तमाम सरकारी नौकरी के पद भरे जाएंगे। मोदी के नेतृत्व में देश खड़ा है अपने पैरों पर। भारतीय जनता पार्टी के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बिहार के गन्ना एवं कानून मंत्री प्रबोध कुमार ने बिहार सरकार की उपलब्धि विषय पर चर्चा की। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खूब तारीफ की है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि 2005 से पहले लोगों ने स्कूल कॉलेज के लिए जमीन दिए, चंदा कर मकान बनवा रही है, लेकिन सरकार शिक्षकों को वेतन नहीं दे पाई है। कई संस्थान बंद हो गए हैं, उद्योग धंधे बंद हो गए हैं। कर्पूरी ठाकुर के बाद नीतीश मोदी की सरकार ने बिहार को विकास की पटरी पर दौड़ाया है और 2014 के बाद केंद्र में जो मोदी की सरकार बनी तो बिहार बुलंदियों को छू रहा है। आरएसएस और भाजपा की पिछलग्गू है जदयू। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अस्पताल से लौट चुके हैं, जिसके बाद से ही वो लगातार राजनीति में सक्रिय हैं। इसी कड़ी में बीते दिन लालू यादव और उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने एक साथ सरकार पर हमला बोला है और खासकर जदयू पार्टी को आड़े हाथों लिया है, जिसके तहत लालू यादव ने आरोप लगाया है कि जदयू भाजपा और आरएसएस के लिए संविधान मजाक के साथ संसद खिलौना है। वहीं तेजस्वी ने बकायदा वीडियो ट्वीट कर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने लिखा है कि केंद्र सरकार की चोरी संसद में पकड़ी गई। दरअसल लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव का यह बयान संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान 3 दिसंबर को राजस्थान के राज्यसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री जी अल्फोंस संविधान संशोधन बिल पेश करने के बाद आया है। इस बिल में यह प्रस्तावित है कि संविधान की प्रस्तावना से समाजवाद शब्द को हटा दिया जाए, लेकिन विपक्ष के विरोध के बाद राज्यसभा के उपसभापति ने बिल को रिजर्व रख लिया। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित डकैती की पहली घटना 1907 में चिंगरीपोटा रेलवे स्टेशन पर आज के दिन हुई थी। भारत के अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का विवादास्पद ढांचा 1992 में आज के दिन गिरा था। इसके साथ ही भारत के अनेक हिस्सों में दंगे भड़क गए थे। केंद्रीय बैंक ने 2008 में रेपो रेट और रिवर्स रेट में 1% की कटौती आज के दिन की थी। भारत और चीन की सेनाओं के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास एक्सरसाइज हैंड इन हैंड 2008 कर्नाटक के बेलगांव में प्रारंभ हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स 1732 में आज के दिन जन्म हुआ था। एक बहुजन राजनीतिक नेता भीमराव अंबेडकर का 1956 में निधन आज के दिन हुआ था। भारत सीरीज जीतने से महज 5 विकेट दूर। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 2 मैच की सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारत से मिले 540 रनों के लक्ष्य के जवाब में न्यूजीलैंड ने तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 5 विकेट पर 140 रन बना लिए हैं। न्यूजीलैंड को अभी मैच जीतने के लिए 400 रन और बनाने हैं, जबकि भारत अब सीरीज से जीतने से केवल 5 ही विकेट दूर है। स्टंप के समय हेनरी निकल्स 36 रन पर और रचिन रविंद्र 2 रन पर नाबाद रहे। डैरियल मिशेल ने 60 रन बनाए। भारत की तरफ से रविचंद्रन अश्विन ने 3 विकेट लिए। इससे पहले भारत ने अपनी दूसरी पारी में 7 विकेट के नुकसान पर 276 रन बनाकर पारी घोषित कर दी और न्यूजीलैंड के सामने जीत के लिए 540 रनों का लक्ष्य रखा। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है महादेव दास, महेश कुमार, शंकर मुखिया, विजय घायल, नवीन कुमार, नीतीश कुमार, राजीव कुमार, प्रदीप कुमार, रूपेश कुमार यादव, आतिक खान, लाल बाबू कुमार दास, ऋतिका कुमारी,
राजकुमार रावत, मुकेश कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार कोरोना के नए वेरियंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देख क्या आप सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कर रहे हैं और मास्क लगा रहे हैं या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।